نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear audience, today we will discuss science. What is science and what is the importance of science? Where three assumptions are used. First, new knowledge. New knowledge. Second, five steps. Systematically. So now you are clear. What is science? It is a third subject where three assumptions are used. First, new knowledge. Second, five steps. Three, systematically. तो already मैंने आपको कहा कि science जब आएगी तो new knowledge वहां भी आप देखेंगे कि क्या new knowledge उन्होंने इजाद किया. Second number पे five steps. सेंस में हम फाइव स्टेप को यूज करेंगे ऑब्जर्वेशन. सेकंड नंबर पे आपका आएगा इंफरेंस. थर्ड पे एक्सपेरिमेंट और फोर्थ नंबर पे आपका आएगा रिजल्ट और फिर फिफ्थ नंबर पे ला आएगा. तो फाइव स्टेप ये यूज होंगे और सिस्टमेटिकली यूज होंगे. ये आप इंफरेंस से स्टार्ट नहीं ले सकते बल्कि आप ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट लेंगे फिर इंफरेंस आप बनाएंगे और इंफरेंस के बाद फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक्सपेरिमेंट के बाद फिर आप रिजल्ट देखेंगे और फिर रिजल्ट के बाद आपके पास आएगा ला. तो ला के लिए मतलब आपको जनरलाइज करना होगा वर्ड में तजर्बे करने होंगे. इसके साथ साथ तजर्बों का नंबर जो है वो हम ज्यादा करेंगे. अगर सेम रिजल्ट हर जगह आएगा तो फिर हम उसको मतलब क्या कहते हैं ला. जिस तरह बॉयल ला है तो आप एक जगह उसमें एक्सपेरिमेंट हुआ फिर दूसरी जगह एक्सपेरिमेंट हुआ फिर तीसरी जगह एक्सपेरिमेंट हुआ और इसी तरह सारा वर्ल्ड को उन्होंने छान लिया और फिर सारे रिजल्ट टू द सेम आ गए. तो फिर हमने उसको क्या किया उसको हमने बनाया बॉयल ला. तो बॉयल ला मतलब है जब हम सारे वर्ल्ड में तजर्बे करते हैं और तजर्बों का सेम रिजल्ट आता है तो हम फिर उसको क्या कहते हैं हम उसको ला कहते हैं. तो नाउ यू आर क्लियर व्हाट इज सेंस. पुराने जमाने में लोग सेंस द नॉलेज व्हिच इज अचीव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सेंस.
लेकिन आजकल उसका ये पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे थ्री स्टेप आपके पास, थ्री एजम्पशन है, थ्री एजम्पशन जब हम हमारे पास ये थ्री एजम्पशन, न्यू नॉलेज, फाइव स्टेप सिस्टमेटिकली, ये तीन स्टेप जहां पे इस्तेमाल ना हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम सेंस नहीं कहते। वहां अगर न्यू नॉलेज की बात हम करते हैं ये ना हो, या फाइव स्टेप वाला हम मतलब फार्मूले इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस तरह ऑब्जर्वेशन है, इनफरेंस है, और इसके साथ एक्सपेरिमेंट है, रिजल्ट्स है, और फिर ला है, और सिस्टमेटिकली। पहले मैंने आपको बता दिया कि पहले ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा, फिर इनफरेंस होगा, और इनफरेंस के बाद फिर एक्सपेरिमेंट होगा, और इसी तरह एक्सपेरिमेंट के बाद आपका रिजल्ट आएगा, और फिर रिजल्ट जो सेम होगा तो वी विल कन्वर्ट इन टू ला। तो ये मैंने सीधा सादा मतलब है डिफिनीशन आपको बताई कि व्हाट इज साइंस, व्हाट, नाउ वी कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि साइंस के थ्रू हम न्यू इजादात करते हैं, न्यू चीजें हम वजूद में लाते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे जितने मसले हैं वो उसको हम हल कर लेते हैं साइंस के थ्रू, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, और हम न्यू नॉलेज वहाँ पे लाते हैं, और वो न्यू नॉलेज के थ्रू हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, हम जहाज डेवलप करते हैं, हम मतलब और चीज़ें डेवलप करते हैं। तो ये क्या है, ये है उसकी इम्पोर्टेंस। साइंस के बगैर हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बूस्ट नहीं हो सकती, साइंस के बगैर एक मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, और साइंस जो है रियल साइंस में हम उसको रिसर्च कहते हैं। वो रिसर्च जब हम नहीं करते, न्यू चीज़ों को हम आइडेंटिफाई नहीं करते, हम ईजाद नहीं करते, तो फिर ये हम आगे नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल साइंस मतलब फील्ड में जाता है, एक्सपेरिमेंट करता है, फिर रिजल्ट्स मतलब है वो देखता है, और रिजल्ट के बाद फिर बार बार अगर रिजल्ट सेम आता है तो फिर वो लाभ बनाते हैं। तो साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो चीज़ें जो है हम न्यू चीज़ें ईजाद करते हैं। तो ये है साइंस की इम्पोर्टेंस, कि साइंस के बगैर हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, साइंस के बगैर हम पिज़्ज़ाओं में चक्कर नहीं लगा सकते, साइंस के बगैर हम अच्छे गंदम की वैरायटी को ईजाद नहीं कर सकते, साइंस के बगैर हम रोड नहीं बना सकते, और साइंस के बगैर हम अच्छे प्लांटेशन नहीं कर सकते। तो ये साइंस के कमालात हैं, कि साइंस के बगैर, साइंस के थ्रू हम ऊपर पिज़्ज़ाओं में इधर उधर पैरते हैं, फिर इसके साथ साथ हम साइंस की वजह से ऊपर सियारों की भी सफर करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया का मतलब है जो सियारा है वो चांद को मतलब पहुंच गया है, इसके अलावा और भी मुल्क है जिसके सियारे चांद को पहुंच गए हैं, मरीख को मतलब पहुंच गए हैं। तो ये क्या है, ये है साइंस, और वो साइंस जो है न्यू इजादात करते हैं, न्यू न्यू जगह ईजाद कर लेते हैं। तो इस मकसद के लिए तुम्हें साइंस को जोर देना चाहिए, साइंस में एबिलिटी होना चाहिए। अगर मुल्क में या हमारे नौजवानों में ऐसा गट्स हो कि वहाँ वो साइंस को तरक्की देंगे, तो साइंस की तरक्की की वजह से मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क की जीडीपी तरक्की करेगा, इकानमी तरक्की करेगा, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, फैसिलिटी मिलेगी, रोड मतलब अच्छे अच्छे रोड बनेंगे, अच्छे अच्छे फसलें आएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, ये है साइंस की बरकत। साइंस के थ्रू मतलब है हम ये तीन एजम्पशन यूज़ करते हैं, हम मतलब फाइव स्टेप ऑलरेडी आपको पता है, ऑब्जर्वेशन है, पर इनफरेंस है, ऑब्जर्वेशन हम लेके हम एक इनफरेंस एस्टेब्लिश करते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। फिर उसके बाद हमारी जो हाइपोथेसिस है उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो चीज़ हमने हाइपोथेसिस लिखा है ये ट्रू है या ट्रू नहीं है। अगर ट्रू है तो फिर हम हमारे पास अल्टरनेटिव और इसके अलावा और भी हाइपोथेसिस के किस्म है, कंपैरेटिव हाइपोथेसिस है और भी है। तो वहाँ हम इसको एस्टेब्लिश करके फिर हम फाइव स्टेप का जो नंबर है इनफरेंस है उसके थ्रू फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। अगर रिजल्ट मतलब आता है तो फिर, अगर रिजल्ट अगेन एंड अगेन सेम आता है तो फिर हम उसको ला में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने बॉयल ला का
नाम सुना है, इसके अलावा और भी ला है आप लोगों ने सुना है। तो ये तो हमने एक छोटा सा लेक्चर साइंस के ऊपर दिया। हम अब आगे जाते हैं मेजर सब्जेक्ट ऑफ साइंस। मेजर सब्जेक्ट ऑफ साइंस नंबर एक बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। इस कॉल्ड बायोलॉजी। सेकंड आपकी फिजिक्स, द मैटर एंड एनर्जी रिलेशनशिप स्टडी इज कॉल्ड फिजिक्स। थर्ड नंबर आपके पास केमिस्ट्री है। द केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक बायोलॉजी है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजी इज सेल। व्हेन सिमिलर सेल यूनाइट विद ईच अदर दे मेक द टिश्यू। व्हेन टिश्यू यूनाइट विद ईच अदर दे मेक द ऑर्गन। एंड व्हेन मोर देन टू ऑर्गन सिस्टमेटिकली वर्क दे मेक द सिस्टम। एंड व्हेन मोर देन वन सिस्टम कर वर्क सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली दे मेक द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म विल लिव इन वन प्लेस, इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो नाउ यू आर क्लियर व्हाट इज बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांचें हैं। एक है एनाटोमी और एक है बॉटनी और एक है जुआलॉजी। बॉटनी जो है द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, लेकिन एनिमल स्टडी को हम जुआलॉजी कहते हैं। फिर उसकी और भी मतलब एक किस्में हैं, इसमें माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें मॉर्फोलॉजी है, इसके साथ साथ मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटोमी है। एनाटोमी जब हम
इनर स्टडी करते हैं तो हम एनाटोमी को यूज करते हैं, लेकिन जब हम आउटर स्टडी करते हैं तो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इंडस्ट्रियल साइट पर भी बाज़ चीज़ें हम मतलब तैयार करते हैं, तो वहाँ हमारी जो बायोलॉजी यूज होती है उसको हम इंडस्ट्रियल बायोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको पता है कि बायोलॉजी की बहुत स्कोप है। बायोलॉजी के बाद बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, डॉक्टर सही इलाज किसी का नहीं कर सकता, तो इस मकसद के लिए बायोलॉजी सीखना जो है बहुत ज़रूरी है। और मेट्रिक लेवल में बायोलॉजी का सब्जेक्ट आता है, तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो बायोलॉजी को सही मतलब है तरीके से उसको एनालाइज करे, उसको स्टडी करे और इनडेप्थ मतलब है समझ ले कि बायोलॉजी क्या है। क्योंकि बायोलॉजी के बाद अगर वो मेडिकल में जाएगा तो वो फिर अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ लिंक है। एग्रीकल्चर में कोई जाएगा उसकी बायोलॉजी कमज़ोर हो तो वो कभी अच्छा एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बन सकता। अगर DVM में कोई जाएगा, ये भी एनिमल स्टडी के बारे में हम वहाँ पे काओ या बफेलो या कोई और जानवर हो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो फिर वो अच्छा DVM डॉक्टर नहीं बन सकता। तो अब बायोलॉजी की बहुत बड़ा स्कोप है, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी है। कोरोना जब मैदान में निकला तो इस वक्त हमारे बायोलॉजिस्ट जो थे वो काम कर रहे थे, वो वैक्सीन तैयार कर रहे थे। तो अभी जितने पुराने ज़माने में भी काफ़ी जो जरासीम आए हुए हैं तो ये बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने उसके लिए वैक्सीन तैयार की। तो आपको चाहिए कि आप बायोलॉजी को ज़्यादा तवज्जो दें, और बायोलॉजी के बगैर हम आगे नहीं जा सकते, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और हमारा जो GDP है या GNP है वो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसलिए क्योंकि बायोलॉजी जो है वो जरासीम को स्टडी करते हैं, वायरस स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, इसमें यूजफुल जरासीम होते हैं, उसमें मतलब है डेंजरस जरासीम होते हैं, हार्मफुल जरासीम होते हैं। तो सारा जरासीम बायोलॉजी के थ्रू हम स्टडी करते हैं। तो ये था बायोलॉजी और बायोलॉजी का स्कोप। अब हम आते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स क्या है? द मैटर एंड एनर्जी रिलेशनशिप स्टडी इज कॉल्ड फिजिक्स। अब फिजिक्स आपको पता है कि ये मैटर और एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसके रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिजिक्स। तो वहाँ फॉर एग्जाम्पल हम बड़े बड़े शीशे लगाते हैं तो उससे ज़्यादा मतलब है हम बिजली हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बड़ा जनरेटर बनाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं, या अगर पानी का स्पीड ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पानी ज़्यादा हो तो ज़्यादा बिजली वो प्रोड्यूस करेगा। और इसी तरह अगर शीशे ज़्यादा हो तो फिर उसके थ्रू हम ज़्यादा बिजली मतलब सोलर के थ्रू पैदा कर सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसको हम मतलब है फिजिक्स कहते हैं। तो अभी आपको ये भी पता नहीं है कि व्हाट मैटर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैटर, जो चीज़ हम फाइव सेंस के थ्रू चेक कर सकते हैं इसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर जो है पर हम एनर्जी को गेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आंधी है तो वो तेज़ी से चलती है और वो तेज़ हवा की वजह से जनरेटर चलता है और बिजली बनाते हैं बलूचिस्तान के मैदानों में। इसी तरह पानी है तो पानी मतलब है अगर तेज दबाव डालता है तो वो भी जनरेटर को चलाता है और ऐसे बिजली पैदा होती है, और वही बिजली फिर हम और कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसके थ्रू मतलब इरिगेशन करते हैं, ट्यूबवेल बनाते हैं, और वही बिजली हम घर के काम काज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ कारखानों में वही बिजली हम वेल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? ये फिजिक्स का कमाल है कि वहाँ उन्होंने एनर्जी को रिलीज़ किया। कहाँ पे, कहाँ रिलीज़ किया? बड़े बड़े डैम है, वाटर नीचे आता है और वो जनरेटर को चलाते बिजली पैदा करते हैं, और वही बिजली हम कारखानों में यूज़ करते हैं या डे टू डे लाइफ में हम उसको यूज़ करें। इसके अलावा आंधी है तो ये क्या है? ये मैटर है, और इस आंधी जब मतलब उसकी स्पीड होती है तो उसके थ्रू हम जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर चला के हम बिजली पैदा करते हैं, और वही बिजली हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके अलावा वहाँ सोलर मशीनें हैं तो ये फिजिक्स का कमाल है। तो वहाँ सोलर मशीनें क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं, और वही बिजली हम डे टू डे लाइफ हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम मशीनों को जब हम कपड़े धोते हैं तो वही बिजली हम यूज़ करते हैं,
इसके साथ साथ हम पंखा चलाने के लिए वही बिजली यूज करते हैं, तो ये किसका कमाल है? ये फिजिक्स का कमाल है। और फिजिक्स का कमाल ये है कि उन्होंने जनरेटर बनाया और जनरेटर के थ्रू वो अब उसको हरकत देते हैं, उसको चलाते हैं। एक तो तवानाई यूज करके दूसरी मतलब तो हम बिजली पैदा करते हैं, और बिजली जो है मुल्क की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए उसका मतलब है रोल बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तान में देखें तो वहाँ ज़्यादातर बिजली की कमी होती है, लोड शेडिंग होता है, और लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारखाने जो है उसको सही बिजली नहीं मिलती। तो यही वजह है कि हम ज़्यादा बिजली मतलब हमारे पास नहीं है, तो हम ज़्यादा चीज़ें इंडस्ट्री हम नहीं चला सकते और हम ज़्यादा आउटपुट नहीं निकाल सकते और ज़्यादा गुड्स हम बाहर मतलब है सप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो किसी का कमाल है, ये बिजली की कमी का कमाल है कि बिजली हमारे पास कम है और हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकते, ज़्यादा कारखाने मतलब है नहीं चला सकते और ज़्यादा टाइम हम कारखानों को नहीं चला सकते। अक्सर लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारखाने या घरों में अगर लोगों को अगर बिजली ना हो तो बिजली के बगैर वो मतलब है पंखे नहीं चला सकते, काम नहीं कर सकते। तो ये था कमाल फिजिक्स का। तो सारे मतलब जो स्टूडेंट है मेट्रिक के, उसको चाहिए कि उसको मतलब है वो जान ले कि फिजिक्स क्या है और उसका ताल्लुक क्या है, किस तरह वो तवानाई को पैदा करते हैं, किस तरह वो मतलब मैं मैटर और जो मैटर से जो है एनर्जी बनाते हैं। तो ये आपने फिजिक्स में ये भी देखे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक ने हर की तवानाई और इसके साथ है पोटेंशियल, बाजों का हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो ये किसका कमाल है? ये फिजिक्स का कमाल है। बैटरी हम मतलब मैं चार्ज करते हैं और उस तवानाई को फिर रात के वक्त हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? ये फिजिक्स का कमाल है। लेकिन स्टूडेंट को चाहिए कि वो इंडेप्थ स्टडी करे फिजिक्स की, कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के थ्रू हम क्या कुछ इजादात कर सकते हैं। अगर हम इजाद करेंगे तो फिर क्या होगा, फ़ायदा होगा, हम इन इजादात को दूसरे मुल्कों में उसको फरोख करेंगे और हमें ज़्यादा डॉलर आएगा, और डॉलर जब आएगा रुपये की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी और इसके थ्रू हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन भी चला सकते हैं। वहाँ मतलब है हमारा जो फाइनेंशियल बजट है वो भी ज़्यादा होगा, हम डेफिसिट में नहीं होंगे, हम बाहर के मुल्कों को पैसे के लिए नहीं पुकारेंगे, हम अपना पैसे यूज़ करेंगे और हमारे मुल्क को बाहर से इन्वेस्टर आएगा अगर हमारे पास पैसे हो। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर इन्वेस्टर किस तरह आएगा? तो इस मकसद के लिए बाहर से लोग नौकरियों के लिए भी आएंगे, हम उसको मुलाजमत देंगे। तो इस मकसद के लिए क्या है? ये है कमाल फिजिक्स का, जिस तरह फिजिक्स के थ्रू एटॉमिक बम बना हुआ है। इसके साथ साथ केमिस्ट्री की तरफ हम चलते हैं, तो केमिस्ट्री भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है साइंस का। केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? द मैटर केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो अभी आपको पता चला कि जब हम केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करें किसी चीज़ का तो हम उसकी उसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसी वजह से बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि आयरन की केमिस्ट्री क्या है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें, पानी की केमिस्ट्री क्या है। तो पानी की केमिस्ट्री ये है कि ये दो मतलब है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना हुआ है। आयरन ऑक्साइड अगर आप देखें तो वो ऑक्सीजन और मतलब आयरन से बना हुआ है, तो ये आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जंग बनता है। तो ये केमिस्ट्री की कमालात है कि उसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि उसमें प्लाना एलिमेंट कितना है, प्लाना एलिमेंट कितना है, और फिर अगर हम उसको मिलाते हैं, यूनाइट करते हैं तो क्या होता है, हीट निकलती है और ये बाज़ औक़ात एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके थ्रू हम मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब जो सब्जियां हैं उसके ऊपर हम केमिकल स्प्रे करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हम मुख्तलिफ़ मरस के लिए केमिस्ट जो है वो दवाई बनाते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं, तो दवाई बना के फिर वो इंसानों को देते हैं और इंसान की जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। तो अब तीनों सब्जेक्ट मैंने ख़त्म किए, बायोलॉजी मैंने पढ़ाया, जनरल फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया। तो बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजिक्स द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी रिलेशनशिप स्टडी इज कॉल्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडी इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया साइंस, तो ये भी आपको क्लियर है कि साइंस वहाँ थ्री अजम्पशन होते हैं, अगर वो थ्री अजम्पशन फुलफिल नहीं करते और जो इलम हम न्यू गेन करते हैं तो इसको हम कहते हैं साइंस।
तो न्यू एलम जब हम गेन करते हैं दिस इज कॉल्ड सेंस और सेंस प्ले ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए वर्ल्ड एंड विदाउट सेंस द डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल बिकॉज वी अप्लाई द सेंस इन एग्रीकल्चर इन इंजीनियरिंग एंड इन डिफरेंट economic sector of Pakistan and with the help of which we can increase the productivity of crops, the productivity of industry. तो ये सारी चीज़ें मतलब जब हम in-depth study नहीं करेंगे तो फिर ये मुश्किल होगी हम तो इसलिए आपको साइंस जानना चाहिए कि साइंस क्या है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है फिर मेजर सब्जेक्ट ऑफ साइंस क्या है तो मैंने आपको बायोलॉजी बताया फिजिक्स बताए केमिस्ट्री बताए ये मतलब ये तीनों सब्जेक्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो ये तीन सब्जेक्ट आप मैट्रिक में ज़रूर पढ़ेंगे और फिर आगे एपीसी में भी पढ़ेंगे और फिर जब आप सीट लेते हैं आप मतलब डॉक्टर बनते हैं तो वहाँ भी इसकी बहुत बड़ी रोल है ये तीनों सब्जेक्ट का क्योंकि फिजिक्स मुख्तलिफ अल्ट्रासाउंड में भी यूज़ होता है बायोलॉजी जो है वो आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम या मतलब में आपका कोऑर्डिनेटिव सिस्टम तो ये सारी मॉर्फोलॉजी और ये सारी चीज़ें कहाँ हैं ये जो है हमारे साइंस के सब्जेक्ट है तो इसलिए हम स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बिगिनिंग से मैट्रिक से इन तीनों सब्जेक्ट को कवर कर ले सही उसको स्टडी करे और पीढ़ में भी इस वक्त से इस्तेमाल करे और उसके फ़ायदे भी जान ले कि बायोलॉजी की क्या फ़ायदा है फिजिक्स का क्या फ़ायदा है केमिस्ट्री का क्या फ़ायदा है तो एक छोटा सा लेक्चर था मैंने बना दिया और आप उस जो लो लेवल के स्टूडेंट हैं आप भी उससे मतलब है इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप के जो ऊपर मतलब है जो हाई लेवल स्टूडेंट हैं तो वो भी उससे इस्तेफादा कर सकते हैं और मैंने पहले आपको बता दिया कि बेसिक चीज़ें जब तक क्लियर ना हो तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते तो इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो बेसिक चीज़ों को ज़रूर न ज़रूर इंडेप पढ़े और उसको मतलब है अपने आप समझाएं कि ये बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ये क्या चीज़ है और उसका डे टू डे लाइफ में रोल क्या है और इसकी अहमियत क्या है फिजिक्स का क्या अहमियत है बायोलॉजी का क्या अहमियत है केमिस्ट्री का क्या अहमियत है जब वो ये जानेंगे तो फिर उसका शौक भी ज़्यादा होगा और शौक होने के साथ साथ वो ज़्यादा इलम फील्ड में भी गेन करेगा न सिर्फ वो क्लासरूम में बायोलॉजी को पढ़ेगा बल्कि वो फील्ड में जाएगा वहाँ एक्सपेरिमेंट करेगा इसी तरह फिजिक्स है तो फिजिक्स भी वो मतलब फील्ड में भी यूज़ करेगा तजर्बात करेगा प्रैक्टिस करेगा इस तरह केमिस्ट्री का भी वो बिगिनिंग से तजर्बात करेंगे एक तो लेबॉर्टरी में हम तजर्बे करते हैं एक लेबॉर्टरी के बगैर हम मतलब तजर्बे करेंगे और हम न्यू चीज़ें ईजाद करेंगे और उसके थ्रू हम अपने इकानमी को इम्प्रूव करेंगे तो ये एक क्लास जो मैंने आपको बता दिया बहुत इम्पोर्टेंट क्लास था आप ख़ुद भी उसको पढ़ें और दूसरे जो लोगों के साथ भी ये लेक्चर आप शेयर करें तो इंशाल्लाह जब आप इस लेक्चर को शेयर करेंगे तो इसके साथ साथ आप पहचानेंगे कि बायोलॉजी क्या है फिजिक्स क्या है केमिस्ट्री क्या है वस्सलाम।